कीवी उत्पादन के क्षेत्र में बागेश्वर ने बड़ी छलांग लगाई है। आजीविका संवर्धन हेतु स्कॉच फाउंडेशन द्वारा स्कॉच प्रतियोगिता में बागेश्वर को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने खुशी जताते हुए कहा कि किसानों की लगन व मेहनत का ही परिणाम है कि बागेश्वर को कीवी उत्पादन के क्षेत्र में यह अवार्ड मिला है। जिलाधिकारी ने कहा कि कीवी उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। शासन व विभाग इस दिशा में किसानों को मदद भी कर रहा है। कलेक्ट्रेट में आयोजित एक समारोह में मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत ने सिल्वर अवार्ड जिलाधिकारी को सौंपा है। सीडीओ ने बताया कि हाल के वर्षों में महज 10 से 15 किसान ही कीवी उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, लेकिन आज 150 से अधिक किसान कीवी उत्पादन कर रहे हैं। बागेश्वर में कुल कीवी उत्पादन 120 कुंटल से अधिक हो गया है, जिसे 2025 तक 1500 कुंटल तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी के एन तिवारी, उद्यान अधिकारी आर के सिंह, उप परियोजना निदेशक ग्राम्या ललित रावत आदि मौजूद थे। कीवी के उत्पादन के बारे में हम साढ़े तीन साल से मैं इस कीवी में जुड़ा हूँ। मेरे पास 400 समथिंग का पूरा प्लॉट है और उसमें तार बाड़ पूरे सब जो भी है ये ग्राम्या के माध्यम से हमें इसमें, शायद हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे गांव में इतना बड़ा उसमें हमें इस चीज़ का फायदा होगा, बेनिफिट होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। ये ग्राम्या की बदौलत हमें इस चीज़ में ये करने का और देखने का सुनने का मौका मिला। अभी नया नया है, अभी हर पौधे पे अभी एकदम सब पे फल नहीं आता, अभी नई कम साल है, तो जैसे जैसे उस साल बढ़ते जाएंगे, पौधे बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे उसमें फल आते हैं। मेरा एक पौधा बहुत पुराना है, एक ही पौधा था वो, उस पौधे में मेरा एक साल में एक ही पौधे पे एक कुंटल 10 किलो, एक कुंटल 5 किलो, इस बार ओला पड़ गया था 45 से 60 के आसपास बना होगा इतना एक ही पौधे पे, तो ये तो अच्छा उत्पादन फल जब उसमें ओला वृष्टि नहीं होती है तो अच्छा फल मिलता है। ग्रामिया प्रोजेक्ट 2014-15 से यहाँ पर शुरू हुआ है और हमने ग्रामिया प्रोजेक्ट के अंदर जो बैकवर्ड सपोर्ट होता है, जो फॉरवर्ड लिंकेज होती है, इसका मतलब है कि जो फार्म टू फॉक हमने उनको इनपुट सपोर्ट दिए हैं, उसमें अच्छे प्लांट्स हमने हिमाचल से मंगवाए, उनको इरिगेशन फैसिलिटीज हमने उनको दी, उनको तकनीकी जानकारी हमने दी। उसके बाद हमने वहाँ पर सामा में ग्रोथ सेंटर ही बनाया जिसमें हम लोग जो सी कैटेगरी का जो फल है उसको प्रोसेसिंग करवाते हैं और ए और बी कैटेगरी फल को ग्रेडिंग पैकेजिंग करके उसको हल्द्वानी, देहरादून, बरेली और दिल्ली के मार्केटों में हम उनकी मार्केटिंग में सहयोग कर रहे हैं उनके साथ। तो ये पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कंप्लीट वैल्यू चेन बनाता है, तो इसलिए स्कॉच अवार्ड ने इस प्रोजेक्ट को चुना और सिल्वर मेडल से इसको नवाजा किया। तो इससे पूरे बागेश्वर क्षेत्र के जो कीवी उत्पादन कर रहे किसान हैं उनकी प्रतिष्ठा को एक नई पहचान मिली है और जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, सीडीओ महोदय हैं, उनका लगातार हमको इस संबंध में मार्गदर्शन मिलता रहता है और यह आशा है कि आने वाले 24-25 तक लगभग हमारा प्रोडक्शन 1500 कुंटल के आसपास हो जाएगा, जो अभी की वर्तमान में सामा लीती नौकुड़ी एरिया में जो 150 कुंटल हो रहा है वो बढ़कर 10 times हो जाएगा और किसानों की आर्थिकी भी उससे बहुत अच्छी सुधरेगी और लगभग हर किसान को उसमें जो 150 से 160 किसान जुड़े हुए हैं उनको प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग 1,50,000 के आसपास इनकम होगी उनकी। देखिए ये हमारे लिए बहुत ही एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि आज जनपद को जो हमारे ग्राम्या जो हमारा वाटरशेड जो प्रोजेक्ट है उसमें जो कीवी का जो प्रोडक्शन किया जा रहा था उसको स्कॉच अवार्ड मिला है, उसमें सिल्वर अवार्ड मिला है, जिसमें पूरे देश भर से अन्य अन्य जो हमारे ज़िले हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके जो इनोवेटिव वर्क्स जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट करते हैं और उन सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको सिल्वर अवार्ड मिला है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखिए जो कीवी का प्रोडक्शन है ये काफ़ी समय से जो है हमारे जनपद में इसमें प्रयास किया जा रहा है और इसमें लगातार जो है प्रोडक्शन और लगातार जो हमारे फार्मर्स इसमें बढ़ाए जा रहे हैं। ऑलरेडी इसका जो प्रोडक्शन है वो पिछले 5 साल के अंदर ऑलरेडी हमारा 10 गुना हमने इसमें बढ़ा दिया है और नंबर ऑफ फार्मर्स भी अगर हम देखें तो पहले जहाँ 10 फार्मर थे वहाँ पर आज 160 फार्मर इससे जुड़े हुए हैं
जहाँ पे इसमें पहले एक भी नर्सरी नहीं थी, आज जो है यहाँ पे दो नर्सरीज है जहाँ पे 6000 पौध होती है, और इसमें सिर्फ हमारे यहीं के फार्मर्स नहीं, यहाँ पे जो नेबरिंग हमारे जिले हैं उनके फार्मर्स को भी जो है इसका लाभ पहुँचता है। इसमें चमोली, हमारे पौड़ी, पिथौरागढ़ के फार्मर्स भी यहाँ पे ट्रेनिंग भी लेते हैं, साथ साथ में पौध भी लेके जाते हैं, और इसका प्रोडक्शन लगातार जो है हमारा बढ़ रहा है। देखिए, इसमें हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको किस प्रकार से हम आगे लेके जाएं। इसमें हमारा प्रयास है कि अगले 5 साल में इसका जो प्रोडक्शन है वो मोर देन 10 to 15 times हम लोग और कर दें, और साथ ही साथ हमारे और भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं। जैसे वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का हमारा प्लान है कि कोल्ड स्टोरेज वहाँ पे स्थापित किया जाए, और साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश है कि ये जो प्रोडक्शन है जो अभी हमारा श्यामा क्लस्टर जो तैयार हो गया है, ऐसे क्लस्टर जो है हमारे पूरे जनपद में भी और हम तैयार करें, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी जो है हमारा कीवी ही हमारे जिले के लिए चयन किया गया है। तो इसके लिए हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे सभी डिपार्टमेंट्स की जो हमारी स्कीम्स है, जैसे हॉर्टिकल्चर की जो स्कीम्स है, इसी के साथ साथ हमारे जो जिला योजना है उसका कन्वर्जेंस करके इसका प्रोडक्शन और हम लोग जो है एक्सेलरेट करें एक्सपोनेंशियली। देखिए, जैसा अभी 2014-15 से ये जो है ग्राम्या का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ था, और उस टाइम जो इसका प्रोडक्शन हमारे ज़िले में होता था वो लगभग 10 से 15 क्विंटल ही यहाँ पे प्रोडक्शन होता था, लेकिन आज इसका जो प्रोडक्शन है वो मोर देन 120 क्विंटल्स है। तो लगभग जो है 10 गुना ऑलरेडी हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ चुका है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि फार्मर्स भी सिर्फ जो है वो 10 फार्मर इससे जुड़े हुए थे, लेकिन आज 160 फार्मर इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं। सीसीएन न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।